भाइयों को जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद और सभी तरह की ग्रीटिंग्स जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नमस्कार हो, चाहे वो सत श्री अकाल हो, चाहे वो अस्सलाम वालेकुम हो, चाहे गुड इवनिंग हो, आप सब लोगों को इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए मेरा इनकलाबी सलाम। आज एक बहुत अहम दिन है हम सब के लिए। हम लोग आज एक मंच पर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, JNU से और बाकी विश्वविद्यालयों के छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महीने पहले 12 फरवरी को जिस दिन कन्हैया का अरेस्ट हुआ, उसके बाद से यूनियन का क्या हाल बना दिया गया था, स्टूडेंट यूनियन का, आप लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लो, कुछ लोगों पर केस लगा लो और पूरी कैंपस में एक दहशत मचाई गई थी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि टेररिस्ट कौन है। कोशिश की जा रही थी कि हमको ये बताया जाए कि उमर खालिद टेररिस्ट है, उमर खालिद ने सोनी सोरी पर एसिड अटैक करवाया, इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल टेररिस्ट कौन है, हु इज़ द वन हु इज स्ट्राइकिंग टेरर इन द हार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन द हार्ट्स ऑफ टीचर्स, इन द हार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु हैव एब्सोल्युटली नो गारंटी दैट दे विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, दैट दे विल नॉट बी अरेस्टेड, दैट दे विल नॉट बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ द रॉथ ऑफ दीज फासिस्ट फोर्सेज। हु इज द रियल टेररिस्ट, आई आस्क। टूडे द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया इज डिफाइंड ओनली अगेंस्ट पाकिस्तान। It makes me wonder, what if there were no Pakistan? How would we define our nationalism? It's a strange kind of situation where we do not have any proactive, positive definition of nationalism, and we have to depend on a neighboring country to define our own nationalism. This is very strange. I would like to read Fahmida Riaz, who is a Pakistani poet and a rebel. I would like to read a few lines from her poetry, not taking a lot of time. तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घमारपन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन दराज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। फहमीदा रियाज की ये जो पोएट्री, इनफैक्ट जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत विजनरी पोएट्री है, वो आज हमारे सामने आती है। आप अगर 2014 का असेंबली इलेक्शन देखें और आप ध्यान दें इस एक लाइन पर जहां पर वो कहती हैं कि कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी फतवे जारी करोगे, जैसे हमारे यहाँ फतवे जारी होते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन असली मुसलमान है, कौन नकली मुसलमान है। ठीक इसी तरह से 2014 के लोकसभा असेंबली चुनाव में एक नारा लगाया गया कि अगर आप असली हिंदू हैं तो आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और कई सारे लोगों ने JNU में आकर अलग अलग मंच से इस बात को कहा, लेकिन क्योंकि हम लोग कॉपीराइट में विश्वास नहीं करते हैं, मैं उस एक डायलॉग को चुराते हुए कहना चाहती हूं कि आप सब लोगों से कहते हैं कि अगर सवाल पूछोगे तो तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, अगर बिहार में भाजपा चुनाव हार गई तो तुम पाकिस्तान में क्रैकर्स, तुम पाकिस्तान में पटाखे फोड़ोगे, अगर तुम देश से खुश नहीं हो, आसपास से खुश नहीं हो, अगर तुम UAPS पर सवाल उठाते हो तो पाकिस्तान चले जाओ। और कई लोगों ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है, वैसे हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बहुत हम जैसा ही देश है, कुछ अलग नहीं है, पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है, जब आप हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान बना रहे हैं तब पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत रह जाती है। व्हाट इज द नीड फॉर अस टू गो टू पाकिस्तान व्हेन यू आर मेकिंग अ पाकिस्तान राइट हियर।
As you know, I come from Kashmir, certified terrorist at that, and this is what I have been called repeatedly on Twitter over the past 1 month. And when Umar Khalid was actually, you know, he was not arrested. Kanaya was arrested. Umar was not arrested. At that time, who is this person? Ashok Pandit or someone? Who is supposed to be in the CBFC? He is supposed to be holding a very responsible post bestowed upon him by the Modi government. He says that Shehla Rashid is a Kashmiri. She is a Muslim. She also opposed Baba Ramdev's entry into campus. She must be interrogated. She helped Umar Khalid escape to Kashmir, and she is working for the Hurriyat in Kashmir, in JNU. She is the spokesperson of Hurriyat in JNU. So here you are. Here is what Rohit Vemula was talking about in his letter. This is precisely what he was talking about. The fact that I belong to the ML faction, the fact that I am an elected student union president, the fact that I have political differences with the Hurriyat do not matter. What matters is Shehla Rashid is a Kashmiri. What matters is Umar Khalid is a Muslim. So we are all certified terrorists. This is what Rohit Vemula meant, that people are reduced to their bare identity. They cannot be holding any other political views. They cannot be seen. You know, only Brahmins can speak a universal language. The others cannot speak a universal language. And that is why they want to paint Ambedkar just as a Dalit icon. Just as a Dalit icon. And we are made to forget that Ambedkar was a very, very well-read scholar. He was a very acclaimed scholar, better than most of the Savarna scholars of his time. He was a feminist. He was a universalist. But we'll always be told, what is he? Dalit icon. Nothing else. Dalit leader at most. Why is it that Dalits, Muslims, cannot be recognized as speaking a universal language? What is this claim to universality that the Savarna scholars have reserved for themselves? But today we have a situation where men are speaking up for women, upper castes are speaking for the so-called lower castes, where you have teachers speaking up for students, where you have students speaking up for workers, where you have workers speaking up for women. And that is what needs to be cherished. That is the network that we need to strengthen. Those are the solidarities we need to build. I want to focus on a few points. I don't want to take a lot of time because I think you've heard me a lot and you would also want to hear Kanhaiya. He has gotten less chance to speak because he was confined wrongfully in the jail for a very long time for no fault of his. There are a few things that I would want to focus on. There is a process jisko hum bolte hain deification, yani devi banana kisi cheez ko citadel par bitha dena, itna uncha kar dena कि आप उसको ना ही क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही आप उनको कोई राइट्स देते हैं. इस प्रक्रिया को हम देखते हैं जब महिलाओं को बोला जाता है कि आप तो देवी हैं, आप तो मतलब आप सैक्रिफाइस का एक वो है, मतलब स्वरूप है आप सैक्रिफाइस का, और इसलिए आपको जो है आपको आजादी नहीं मांगनी चाहिए. इसलिए आपको ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि विमेन्स वर्क इज लेबर. यू शुडंट से दिस, विमेन्स वर्क इज जस्ट सैक्रिफाइस. हाउ इज इट लेबर? नो, इट्स जस्ट सैक्रिफाइस. So women are stripped of their rights by this process of deification. Soldiers are stripped of their rights. We are told that they have made an ultimate sacrifice at the borders. They have died at the borders. Hanumanthappa died at the border. And we are being told, or they would like us to believe, that he just committed an ultimate sacrifice for his nation. But what is it? Why are we celebrating Hanumanthappa's death? Did he die because of an enemy bullet? Did he die because of a Pakistani suicide bomber? No, he died because of the pathetic weather conditions that were there where he was posted. And he was not given proper facilities. Who killed Hanumanthappa? Don't the governments of India and Pakistan, don't they owe us an answer?
We are being told that army makes the ultimate sacrifice. But by using this trope of sacrifice, we are denying army men the right to unionize, the right to speak against caste discrimination, the right to speak against class inequality, the right to speak against sexual exploitation and depression due to which soldiers die. And by the army's own admission in Kashmir, more soldiers die by committing suicide and not in combat. This is a very important statistic. Farmers are committing suicide. Our friend and student Rohit Vemula committed suicide. Soldiers are committing suicides. These suicides are arising out of a structure. These suicides are arising out of a structural oppression. These suicides are not accidental. They are not personal. They are not psychological. They are very much inflicted upon soldiers, upon farmers, upon students. A similar kind of deification happens with the Dalits who perform manual scavenging jobs. Everyone from Gandhi to Modi will tell you that Dalits are doing a very noble job. They are making a very ultimate sacrifice for the rest of the society by cleaning the society's filth. Recognize this. Whenever they make a deity out of someone, they are actually oppressing them. We see this with Bharat Mata. We are asked to say Bharat Mata ki jai. But who is this Bharat Mata, we ask? Is Bharat Mata Radhika Vemula? Are you going to recognize her as Bharat Mata and give justice to her son? Is Soni Sori Bharat Mata? Are you going to investigate who committed excesses on her in custody? Are you going to investigate who threw acid on her face? It was definitely not Umar Khalid, but investigate who it was. Are you going to investigate why Irom Sharmila is on fast for 16 years and she was not even allowed to meet us? Are you going to investigate what happened with all the struggling women across the country who spoke up for their rights, who were suppressed, like Bela Bhatia? Is Bela Bhatia Bharat Mata? If she is, if Irom Sharmila is, if Soni Sori is, if they all are Bharat Mata, then yes, Bharat Mata ki jai. Otherwise, jai se jai nahi, jai se justice is something that we have to assert. Justice before jai, jai se pehle nyay, hum logon ko is baat ko bolna padega. Khali naaron se, hollow policies, आरएसएस की पूरी परिभाषा पूरी की पूरी खोखली है. उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, इसलिए सवाल करते रहिए उनसे. किसी भी चीज का जवाब नहीं है. आप पूछिए भारत माता कौन है, उन लोगों को पता नहीं. उनकी भारत माता भगवा झंडा फैलाती है और बाकी लोगों को तिरंगा झंडा फैलाने पर वो अपना दमन करते हैं, बाकी लोगों पर मारपिटाई करते हैं कि तुम तिरंगा झंडा क्यों नहीं पकड़ते हो, तुम लाल झंडा क्यों पकड़ते हो. और आपकी भारत माता भगवा झंडा पकड़ती है. हम आपकी भारत माता को बहुत बढ़िया से जानते हैं. आपकी भारत माता माया कोदनानी है, वो हमारी भारत माता नहीं है. आपकी भारत माता स्मृति ईरानी है, वो हमारी भारत माता नहीं है. इस बात को हम लोगों को बोलना पड़ेगा. इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है नेशनलिज्म का. इन लोगों की हर एक पॉलिसी, इन लोगों की हर एक बातचीत पानी के इस बुलबुले की तरह है. इट्स लाइक दैट एयर बबल इनसाइड द वाटर विच इज शैलो, कंप्लीटली शैलो ऑन द इनसाइड बट वेरी शाइनी एंड इट शिमर्स इन द सन फ्रॉम आउटसाइड. बट द मोमेंट वी प्रिक इट, द मोमेंट वी आस्क अ क्वेश्चन, इट विल रप्चर, इट विल बर्स्ट. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस. वी नीड टू आस्क देम हु किल्ड हनुमान थप्पा, वी नीड टू आस्क देम हु किल्ड रोहित वेमुला, वी नीड टू आस्क ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई हैव बीन टोल्ड टू कंक्लूड, बट आई वुड वॉन्ट टू से अ फ्यू थिंग्स. दीज पीपल टेल अस, स्टूडेंट्स से ये लोग कहते हैं कि डोंट डू पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए. हम लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, 18 साल के हैं हम लोग. आप हमारे पास चुनाव में आते हैं वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए, और हमारे नाम पर बोलते हैं कि भारत के युवा हमारे साथ हैं. लेकिन क्या आप भारत के युवाओं को डिफाइन नहीं करने देंगे कि वो किसके साथ हैं? क्या आप उनको अपने इश्यूज नहीं उठाने देंगे? आप लोग जो किसान मर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे?
चुपचाप से खेती करो, पॉलिटिक्स मत करो, जो खुद को, जिनको आपको खुद को लटकाना पड़ता है, जबकि विजय माल्या अगर डेट नहीं पे कर सकते, ही कैन जस्ट सेफली लीव द कंट्री, बट इफ अ फार्मर कैन नॉट पे द डेट, ही हैज टू कमिट सुसाइड. व्हाट विल यू टेल दैट फार्मर? व्हाट विल यू टेल दैट फार्मर? डोंट डू पॉलिटिक्स, जाकर के खेती करो. एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप खुद ही कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले जाकर के उसको बंद करवाइए अगर आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है. भारतीय मजदूर संघ आपका, भारतीय किसान संघ आपका, आप हमसे कहते हैं राजनीति मत कीजिए. गुजरात में आप फार्मर्स की रैली में जाकर के उमर खालिद का वीडियो प्ले करते हैं, व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस? उमर और अनिर्बान का आप वीडियो जाकर के दिखाते हैं फार्मर्स रैली में, उसका पॉलिटिक्स क्या है? आप ये कहना चाहते हैं फार्मर्स से कि तुम्हारा जो WTO, तुम्हारा जो पैसा है जो तुम्हारे लिए जाना चाहिए, वो देखो वो ये देशद्रोही स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, वो ये एंटी नेशनल स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं वो पैसा, और इसलिए भूखमरी हो रही है, इसलिए जगह जगह सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए तुमको खुदकुशी करना पड़ता है. ये कोशिश की जा रही है फार्मर्स से बोलने की, ये कोशिश की जा रही है किसानों से बोलने की. लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें कि क्या हो रहा है, फार्मर्स को उन्हीं पॉलिसीज से ऑप्रेस किया जाता है, जिन पॉलिसीज से स्टूडेंट्स को ऑप्रेस किया जाता है. इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, WTO और वर्ल्ड बैंक में, आप जिस तरह से एग्रीकल्चर को बेच कर आते हैं, उसी तरह से आप एजुकेशन को बेच कर आते हैं. यू सेंड द फार्मर्स टू गैलोज एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू सेंड द स्टूडेंट्स टू गैलोज. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 300% फी हाइक आता है, IITs में फीस 90,000 से 2-3 लाख तक बढ़ाई जाती है, और आप फार्मर्स को जाकर के स्टूडेंट्स का वीडियो दिखाते हो और फिर हमसे कहते हैं कि राजनीति मत कीजिए, आपकी पूरी की पूरी राजनीति तो हमारे खिलाफ नफरत भड़काने पर तुली हुई है. आपकी पूरी की पूरी राजनीति उमर खालिद, कन्हैया और रोहित जैसे लोगों के खिलाफ राजनीति करने में, नफरत फैलाने में, और ये सभी ट्रोप्स यूज करने में, ये टेररिस्ट है, ये एंटी नेशनल है. आपकी राजनीति इस पर निर्भर करती है. मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी. नेशनलिज्म जिसका डिस्कोर्स हमको दिया जा रहा है, नेशनलिज्म का दो प्रतीक हमारे सामने है, एक अंबेडकर का जो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग. द थिंग विद प्रशांत ऑल्सो हिंटेड एट, he is saying that a nation has to be characterized by national consciousness, but India is characterized only by caste consciousness. So how can India be a nation? So the message is clear, until we annihilate caste we cannot be a nation. Bhagat Singh nationalism ka ek definition rakhte hain, progressive nationalism, not the saffron flag waving, Bharat Mata chanting, rioting nationalism that we see in BJP, that is not our nationalism. Bhagat Singh has talked about a progressive nationalism, that is, these are the nationalisms that we have to take forward. One last thing that I would like to say is that we normally say keeping our differences aside for now, let's get together. I would like to say a slightly different thing. Let's not say keeping our differences aside, let's say keeping our differences alive, let's get together. Let's get together to defeat them. Let's not stop asking questions. We celebrate this political diversity. We celebrate the fact that we have a spectrum of political parties from far left to far right. And just like we do not advocate jail for those people who consider Nathuram Godse as a martyr, we do not advocate jail for those people who consider Afzal Guru as a martyr. Everyone has the right to speak. Everyone has the right to debate. Everyone has the right to question. This is what nation means. This is what civilization means. This is what concern for people means. It has to be a pro-people nationalism, not a hollow nationalism of the BJP variety. I thank you for giving me a patient hearing. Shukriya, Inqilab Zindabad. काल की है राखेद में तेरो अवसर भी तो जाए.